नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली चैनल में भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड की जाती है, जो भी एजुकेशनल न्यूज अपडेट की जाती है, वो सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको बताया कि चैनल के द्वारा आपको रोजाना होमगार्ड्स, आंगनबाड़ी और फ्रेंड्स सोने चांदी के ताज़ा भाव, साथ ही जो रीट राजस्थान से अपडेट हमें मिलती हैं, उनकी अपडेट पूरी ऑथेंटिक और सटीक जानकारी के साथ आपको चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 19 मार्च 2020। आज की जो प्रमुख सभी राज्यों से होमगार्डों के जो ताज़ा समाचारों की अपडेट है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। आखिर मिल गई खुशखबरी, शासन आदेश जारी, अब मिलेगा बीमा का लाभ, सबसे जरूरी अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। सबसे पहला आदेश दो आप देख सकते हो, 18 मार्च 2020 को हमें मिला था उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमें मिला है। दोस्तों, बहुत जरूरी शासनादेश आप देख सकते हो कि जनपद के फील्ड अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या 2690 कार्मिक बैठक 383/2019 दिनांक 18 मार्च 2020 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा होमगार्ड्स विभाग के फील्ड अधिकारी के शासकीय कार्यों की समीक्षा पुलिस महानिदेशक कमांडेड जनरल होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 को अपराह 12 बजे से 2 बजे तक समय अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएंगी। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग UP 112 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनिश्चित की जाएंगी। दोस्तों, आप देख सो आज 19 मार्च को सभी होमगार्ड जवानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएंगी लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में, और उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेंडा मुख्य बिंदुवार निम्नलिखित होगा। यहाँ पर बिंदु देखे, 4-5 बिंदु देखे हैं आपको, मैं ये बिंदु प्रमुख बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते के एरियर भुगतान हेतु गठित समिति द्वारा जिन जिन जनपदों में वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उसका विवरण लाएंगे, और समिति जिस ड्यूटी भत्ते की धनराशि का भुगतान करने के लिए संतुष्ट है, उसके बजट का अंगणक एवं वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि कार्यालय उपयोग हेतु LED TV पेयजल हेतु वाटर फिल्टर मशीन इन्वर्टर बैटरी काकरी इत्यादि की मांग की जाएगी, और नीचे आप दिखो रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट के सिग्नेचर भी हो रखे। दोस्तों, आदेश बहुत ही ऑथेंटिक था, होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से मिला है 18 मार्च 2020 का है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि हमारा चैनल आंगनबाड़ी होमगार्ड्स और होमगार्ड्स के शासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको प्रत्येक खबर देना हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। और नेक्स्ट जो शासनादेश आप देख सकते हो फ्रेंड्स, होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से 17 मार्च 2020 का है। इसमें दे रखा है प्रेसिड डिप्टी कमांडेंट जनरल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें दे रखा है देश प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ एवं मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर संचालित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सो कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे एक कहने का आदेश हुआ है कि देश से प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ एवं समस्त मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने का अनुमोदन कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है। तदनुसार अग्रसर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जनरल के यहाँ पर सिग्नेचर भी हो रखे हैं। और नेक्स्ट जो खबर आप देख सो, होमगार्ड अफसर ने कार्य बहिष्कार कर टाला। दोस्तों, अपडेट आप देख सो लखनऊ से मिली है, अपर मुख्य सचिव का आश्वासन, जांच पूरी होने तक FIR पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी पुलिस। दोस्तों, बहुत ही जरूरी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो कि होमगार्ड अधिकारियों के कार्य बहिष्कार की घोषणा के शासन ने गंभीरता से लिया है, और सोमवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद इन अफसरों ने कार्य बहिष्कार को टाल दिया है। अवस्थी ने अफसरों को आश्वासन दिया है कि गाजियाबाद पुलिस द्वारा 9 मार्च को दर्ज FIR पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं होगी। 3 जनवरी को गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश के तहत होमगार्ड के 34 माह के मस्टोल की जांच पूरी होने के बाद ये FIR स्थगित रहेगी, और इसके बाद सभी अफसर अपने अपने ड्यूटी स्थल के लिए रवाना हो गए, और गाजियाबाद पुलिस द्वारा 9 मार्च को फर्जी मस्टोल के सत्यापन की दर्ज की गई FIR के विरोध में रविवार को होमगार्ड्स मुख्यालय में प्रदेश के सभी अधिकारियों ने आपात बैठक का कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया, और साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने के जिद पर अड़े भी रहे। सोमवार को होमगार्ड अधिकारियों के कार्य बहिष्कार की शिकायत प्रकाशित खबर का मुख्य सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने संज्ञान लिया, और उन्होंने आनन फानन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से बातचीत कर नाराज होमगार्ड अधिकारियों से वार्ता कर के लिए बुलाया भी था। मस्टरों की जांच के आदेश
आदेश हुए जारी। अब दोस्तों मिलेगा इनको 34 माह का जो वेतन, साथ ही 34 महीनों का जो एरियर है। दोस्तों बहुत ही जरूरी अपडेट, आप देख सो यहाँ पर साइड में दे रखा है कि मस्टोल की जांच के लिए आदेश हुए जारी। और नेक्स्ट जो अपडेट आप देख सो कि यूपी के होमगार्डों को मिलेगा दुर्घटना बीमा। लखनऊ 17 मार्च उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों के दुर्घटना बीमा कवरेज का फैसला लिया है और इसके लिए करीब 5 करोड़ की धनराशि भी मंजूर कर ली है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि होमगार्ड जवानों को 1 साल का 24 घंटे सामाजिक सुरक्षा बीमा कवरेज कराए जाने के लिए 4,99,00,000 रुपये की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है और बीमे के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी बना ली थी इस न्यूज़ के बारे में, और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी होमगार्ड जवान है, जो भी दुर्घटना होने पर होमगार्ड जवानों को दी जाएंगी 5,00,000 रुपए की राशि। ये थी प्रमुख अपडेट। आज की जो प्रमुख होमगार्डों से जुड़ी जो मुख्य खबरों की अपडेट थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।